मेरे प्यारे रब वर्गे स्रोतियों, आप सबनों बलजीत कौर लुधियानवी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं थोड़ा सारिया का सोच की कलम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हाँ। मैं आज थोड़े अगे एक नवी कहानी लेके हाजिर हुई हाँ, जिसके लेखक हैं राव स्वान मोहाली तो। कहानी सुनाने तो पहला मैं अपने व्यूवर्स को एक रिक्वेस्ट करती हाँ कि जेडे व्यूवर्स पहली बारी साढ़े चैनल पर विजिट कर रहे हैं ओह चैनल नू सबसक्राइब करन जी, तां जो साड़ी हर आने वाली नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन तुहानू मिल सके। पेश है कहानी कोका ते कलर्क। मध्यवर्गी परिवार नाल जुड़िया मोहनदास कलर्क गरीबी चो उठ के चंडीगढ़ औखा सौखा पढ़न आ गया ते बापू दी हल्ला शेरी ने भी उसकी हिम्मत वधाई। बापू का भी कहना सी कि कुछ बन के दिखा दे पुत्रा। हुण मोहन दे सिर ते कुछ बनन दा जनून सी। पढ़ाई दे नाल नाल उसने सरकारी नौकरियां दे इम्तिहान भी दिते। चंगी किस्मत एक नौकरी कलर्क दी हथ आ गई। किसी सियाने दी सलाह मन के नौकरी हथों जान नहीं देनी, नाले नौकरी कर लै ते नाले शाम नूं पढ़ लिया कर। मोहनदास के दिमाग विच कुछ बनना हमेशा ही चलता रहिंदा। सरकारी नौकरी लगन नाल उसने पढ़ाई जारी रखी, पर सरकारी नौकरी लगन दी देर सी कि हुण रिश्ते भी अगे पिछे आउण लग पए। मना किदा करे, आखिर माँ बापू अगे गोडे टेक गया। बापू का भी कहना सी कि सरकारी नौकर हो गया है, रिश्तेदार तंग करते ने, हुण होर दस की चाहीदा। ब्याह करा के केड़ा लोकी तरक्की नहीं करते। आखिर झुकना पै गया। बथेरा कहा कि बापू एमए कर लैण दे, सरकारी नौकरी विच तरक्की मिल जाऊ, पर बापू लई सरकारी नौकरी कोई बहुत वड्डे खजाना मिलण दे बराबर सी। खैर एक सुगढ़ सियाणी घर की इकली कुड़ी जगीरों का रिश्ता मिल गया, जो कि चंगे खांदे पींदे घर दी सी ते मसां क पंज जमाता पास। मोहनदास हुण ब्याह तो बाद मोहनदास कलर्क हो गया। हुण मोहनदास जी दफ्तर विच फाइलां नाल उलझे रहिंदे ते घरे नवीं कबीलदारी, नवीं रिश्तेदारी, नवीं गल्लां रोज़ सुनन नूं मिलदियां ते पता नहीं लगा कि कदों 2 साल बीत गए। अज दूसरी सालगिरह सी। जगीरों ने जल्दी घर आउण लई कहा सी ते उसका दिल कीता कि अज कुछ मिठा भी खरीद लईए ते किलो जलेबियां तुलवा के घर नूं तुर पिया। ते अगे घरवाली गाना सुनन विच इन्नी मगन, कोका कढ़वा दे वे माइया कोका, मस्त होके गीत सुन रही सी। यह भी ध्यान नहीं आया कि मोहनदास कलर्क घरे पहुँच के अपने कपड़े बदल के घरवाली दे मूहरे जा खड़ा। जगीरों का एकदम ध्यान पिया ते बोली, सुनते हो किन्ना वधिया गाना है, कोका कढ़वा दे वे माइया कोका। मोहना थक्या होया सी, अद्धे जिहे मन नाल हुंगारा भर के बोलिया ते बह गया। जगीरों दे सिर ते तां बस अज गाणा ही सवार सी। भुल गई कि दफ्तर आउंदिआं नूं पाणी धाणी भी पुछणा हुंदा है, पर किथे। जगीरों प्यार नाल, जी सुंदे हो कोका कढ़वा दे, मैनूं भी कोका कढ़वा दो ना। ओए भले मानसीए, पाणी दा घुट तां पिला दे, मोहन थोड़ा तोखला जिहा बोलिया। थक्या हारिया दफ्तरों बंदा घरे वड़िया ते उपरों तेरा कोका शुरू हो गया। इन्नी गल जगीरों दे भी फिस पई। मैं की कहता, 30 साल चल पिया व्याह नूं, कदे सोचिया कि मेरा भी दिल करदा हो। चंगा बाबा, मोहनदास ने पिछा छुड़ाउण लई कह दिता, कढ़वा दूंगा कोका, चंगा पानी तां पिला दे। बस फिर की सी, जगीरों दा पैर तां धरती ते ना लगे। चलो जी चाह पानी पी के अज ही चलदे आं बाजार। बेचारा कलर्क औखा साह लिया, बेगम छुट्टी वाले दिन कल ऐतवार आ, जा वगांगे, हुण थक के आया है भगवान ने। मोहनदास की वड्डी रूह नहीं सी करदी किते जान दी। ना जी छुट्टी वाले दिन नहीं, हुणे अज ही चलो। पानी हथ च लई जगीरों जरा उतावली हो रही सी। यह सुन मोहनदास थोड़ा जिहा धा खा गया। अद्धा घंटा हो गया तेनू पानी नूं कहा सी, तू अगो कोके दी रट लाई हुई है। जगीरों ने भी इसे गल ते मूँह सजा लिया ते मूँह विच ही बोलन लग पई, 30 साल लग गया तेरे आई नूं, जो बाप दे घरों लैके आई हाँ उही गहने पा रही हाँ अज तक।
पहली बारी कुछ मंगया तो तेनू तड़िंग लग गया। तड़िंग शब्द ने तो मोहनदास नू होर तड़िंग लिया था। इस गल ते मोहनदास भड़क गया। मैं कोई सेठ नहीं, कलर्क हाँ, ईमानदारी की कमाई नाल घर चलाउना, बहुत औखा चलदा है। चाह उत्थे पूरे हुंदे आ जिथे बेईमानी की कमाई आउंदी होवे। थोड़ा रुक के जे चाह पूरे करने सी तो किसी सेठ नाल विआह करा लैंदी। तीआ साल बाद भी जे कुक्का मंग लिया तो की लोड़ा करता। जगीरों भी हुण तत्ते का हो गए। उसका गुस्सा सत्तवें आसमान ते सी। सब तो ज़्यादा जिहड़ी गल उसनू चुभ रही सी कि चाह पूरे करने सी तां ओह हुण औरत दा रूप दिखा रही सी जिहड़ा अक्सर ताने मेणिया तो शुरू होके फिर कित्थे जाके खत्म हुंदा रब जाने। इको साहे ही हुण जगीरों बोल रही सी, गवांडना देख लै मार टिच बटन होके रहिंदियां ने सोने नाल लद्दियां, ओह कड़ा डीसी लगियां ने, तेरे वांगू कलर्क ही ने उन्हां दे घर वाले, ओह गड्डियां च झूटे लैंदे, रोज सैरा करन जांदे, ते तू रोज आलू प्याज चुक्की आउंदा, कदे सोचा मेरी भी रूह करदी हो घूमण फिरन नूं। मोहनदास ये सारा कुछ सुन के हक्का बक्का जा रह गया। वह बोले भी तो की बोले, दफ्तर विच बॉस उसका हुक्म, फाइलों का ढेर, जिदन घरे जल्दी आना पै जे तो दफ्तर दियां फाइलां भी नाल चुके लियाउणियां पैंदियां, ते घरे बीबी बॉस बेचारा कलर्क। मोहनदास समझाउण दे रोह विच, चंगा चंगा हुण रोना धोना बंद करके कोका पक्का। पर छुट्टी वाले दिन जगीरों कित्थे मनन वाली सी, कोका तो अज ही चाहिए, हुणे चलो। मोहनदास नू पता है कि हाले तनखाह मिलन नू देर पई है, पर करे की, कित्थे जब पै पै गया। उसने पासा वटदे कहा, अड़ी नहीं करी दी, जद कह दिता कि छुट्टी वाले दिन। जगीरों जान दी है छुट्टी वाले दिन फाइलां तो ही वेल नहीं मिलदी, वह भी अड़ गई, कोका तो अज ही लऊं, जे कोका नहीं आया तो मैं भी। यह साले कोके ने वक्त पाता, ना चाह ना पानी। मोहनदास यही सोच रहा सी कि एक तो कलर्की ते उपरों ईमानदारी की जिंदगी है, एडे वड्डे शहर च अद्धी तनखाह तो किराए च निकल जाती है, उपरों दफ्तर आना जाना वह अलग किराया, दोपहर नूं कितें चाह पीनी पै जावे तो उस वेले वह दोस्तां दे मूहरे अन्ने भन्ने ला के टल जाता। पर फिर भी शहर च रहण दे खर्चे बहुत ने, रोटी पानी बहुत मुश्किल नाल चलदा है, ते अज एक नवे जिन कोके ने ओदे नाल वाह पा लिया। हुण कोके तो किवें पिछा छुड़ावां। वार वार समझाउंदे जदों घरवाली ना मन्नी तां समां टपाउण लई उसने थोड़ी देर घरों बाहर जाना ही बेहतर समझिया, ते पोले जिहे मूँह नाल, चंगा बई जे तू नहीं मन्नदी फिर मैं तां चलिया, इह कह के घरों बाहर निकल गया। जगीरों दे सिर तां कोका ही सवार सी। आखे तू जिथे जाना जा, जे अज कोका ना आया तो मेरी मरी हुई दा मूँह देखे। ये गल जगीरों दे दिमाग चटकी हुई सी ते हुण जाके धमकी दे रूप विच कढ़ी। अगो मोहनदास भी सत्या होया सी, वह भी बिना चूं ची किते घरों बाहर निकल गया। जिन्हें मरना मरे, जो मर्जी करे, मैं चलिया बाहर। थोड़ी दूर गया तो जाके एक थां ते बह गया। थोड़ी देर बाद बह के उठ्या फिर तुर पिया। मन च सोचदा सी कि जिंदगी आ कलर्क दी, सीमित तनखाह, गुजारा औखा है जे अपना मकान ना होवे। जदों दा विआह होया सी उसे वेले दे कपड़िया नूं हंडाई जा रहा सी। कोई खुशी, कोई चाह, कोई सिनेमा नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं। सही तो कह रही है जगीरों, रोज आलू प्याज ही तो चक के लै जाना शाम नूं, की साली यही जिंदगी आ। रह रहे बापू ते भी गुस्सा आ रहा सी, थोड़ा इंतजार कर लैंदा, एमए हो जांदी, हो सकदा कुछ बेहतर नौकरी मिल जाती। खैर यह गल तो हुण पता नहीं किन्नी कु देर होर कलर्की ढोनी पएगी। यह कलर्क ते उपरों ईमानदारी जिंदगी मुहाल हो गई। अज अजीब जिहा सोची जांदा है मैं मोहनदास, करे भी तो की करे, खिज चढ़ रही सी उसनों अपने आप ते। ए तो ता चंगा साली मौत है। मौत का जिक्र दिमाग च आउंदिया ही उसदियां अखां अगे नेरा आ गया। उसनों जगीरों की कही हुई गल याद आ गई कि जे कोका नहीं आया तो मैं भी मर जाऊँ। उसनों तो एकदम घमेरी जी आई तो डिगण नूं फिरे, तेज कदमी घर वल भज्जिया। उसनों खुद नहीं पता लगा
ਉਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਸਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਮੌਤ, ਜੇ ਕੋਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਜਗੀਰੋ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਕੰਨੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜਕਾ ਚੋਰਿਆ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਬਸ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਘਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਭੱਜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਸਪੀਡ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਚੁਗਾਠ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਗੀਰੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਕਾ ਕਢਵਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਈਆ ਕੋਕਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਰਕ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।